बिहार को सप्लाई की जा रही अवैध शराब के केस में पुलिस की कार्रवाई के मामले की पड़ताल हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक ने की है, रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा से अवैध रूप से शराब की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है, ऐसा ही मामला फरीदाबाद में सामने आया है जहां बिहार शराब को भेजा जा रहा था। और मैं आपको एक तस्वीर सेक्टर थाना 31 की दिखा देता हूं। देखिए, ये इस तरह की पेटियां हैं जो काफी भारी मात्रा में, ऐसी पेटी जो लुब्रिकेंट्स ऑयल बताकर इनमें शराब की बोतल लेकर जाया जा रहा था यहाँ से। और पुलिस ने सूचना के आधार पर एक गाड़ी को पकड़ा है जिसमें काफी संख्या में काफी पेटियां इसी तरह की शराब की पैक हो रही थी, और इसके साथ दो आरोपियों को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार भी किया गया है। और जिस तरह बिहार सरकार की तरफ से भी कई बार इस बात की कहा जाता है कि हरियाणा से शराब की तस्करी बिहार में हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो मामला सामने आया है ये भी उसी बिहार से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है जहां फरीदाबाद से इसकी तस्करी कर इसे बिहार ले जाया जा रहा था। हालांकि पुलिस की चौकसी इस बात को रही कि पहले ही उसको तस्करी करने से पहले पुलिस की तरफ से इसको शराब को अवैध को बरामद कर लिया गया। हमारे साथ में पुलिस प्रवक्ता भी हैं सूबे सिंह। किस तरह से जो तस्करी हो रही थी, क्या इसके पीछे रीजन था, और जो ले जा रहे थे जो गिरफ्तार किए गए हैं पूछताछ में, उन्होंने क्या बताया? और ये दो आरोपी हमने 26 तारीख को काबू किए थे जो लुब्रिकेंट ऑयल के नाम से शराब को बिहार भेज रहे थे। और ये दो जो आरोपी हैं प्रिंस और निखिल, दोनों पढ़े लिखे युवक हैं, BBA और BTEC हैं, और इन्होंने अपना दिमाग लगाया यहाँ से शराब भेजने का। और ये जो लॉजिस्टिक है जो कुरियर से भेजना था इनको, वहाँ पे ये 45 कार्टून लेके गए थे जो अलग अलग मार्का की तीन अंग्रेजी शराबें थी, उनको ये वहाँ पे भेजा जा रहा था इनका। पुलिस को सूचना मिली थी और पुलिस ने मौके पे वहाँ पहुँच कर इनको काबू किया और आरोपियों को अरेस्ट किया। और ये 45 कार्टून जैसा कि आपने देखा है कि ये यहाँ पे उनको लाया गया है, एक्साइज विभाग से जो संबंधित विभाग से उनको इंस्पेक्टर को बुला के और उनको चेक कराया गया। लगता क्या है आपको, चूंकि तस्करी अभी भी हो रही है शराब की और नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं, पढ़े लिखे युवा इसमें शामिल हो रहे हैं, कोरियर के माध्यम से बिहार भेजा जाना था? हाँ, ऐसे ही भेजा जा रहा था। और लोगों को लालच है, शॉर्टकट का है, अभी हमें पैसा कमाना है, तो इसी लालच में आके जिन्होंने ये भेजा है। दूसरा, बिहार में शराबबंदी है तो उनको अच्छा दाम मिलने की उम्मीद थी। और एक जो आरोपी है वो पीछे से बिहार का ही रहने वाला है, मुजफ्फरपुर नगर का, तो वो यहाँ फिलहाल फरीदाबाद में रह रहा है, तो उन्होंने इसको ये प्लान बनाया था भेजने का और जो शॉर्टकट से पैसे कमाने का। क्या इससे पहले भी कोई इस तरह की तस्करी वो कर चुके हैं इसी तरीके से या और किसी तरीके से? नहीं, पूछताछ में आया है कि ये उनका पहला ही केस था जिसमें ये पकड़े गए। एक सवाल और भी है, क्योंकि ये जो शराब है अवैध तो है ही है, लेकिन इसके साथ में क्या नकली है या ठीक है, कुछ इस बात की भी जांच की गई है एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से या पुलिस की तरफ से? एक्साइज विभाग से आए थे इंस्पेक्टर, उनको बुलाया गया था जब ये शराब पकड़ी थी, तो ये शराब असली है और ये इन्होंने किसी ठेके से, दो चार ठेके से कहीं से भी इन्होंने अरेंज किया था उस टाइम, और वहां से ही उन्होंने शराब को भेजने का ही प्लान बनाया था, शराब असली है। पुलिस ने दो लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया जो ले जा रहे थे, जिन्होंने कोरियर बुक किया था, लेकिन जहां से ली शराब को खरीदा गया, जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे हैं कि किसी ठेके से जरूर खरीदा होगा इसको, तो क्या वहां तक पुलिस पहुंच पाई? अब पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन है और ये आगे कहां भेजना था जिनको, वहां से भी इसका पता किया जाएगा, तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यानी कि शराब की तस्करी अभी भी बदस्तूर जारी है? नहीं, ऐसा नहीं है, शराब की तस्करी जारी नहीं है, जो लोगों ने इसमें इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन इन्होंने जहां से भेजा है वहां से भी हम इसमें पता लगाएंगे कि किसके पास भेजा जा रहा था, क्या इससे पूर्व में कोई उनकी किसी और से कोई प्रैक्टिस है क्या ऐसी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में सूबे सिंह जो पुलिस प्रवक्ता हैं फरीदाबाद के, जो आप कह रहे हैं कि पूरी चैन को जोड़ा जा रहा है कड़ियों को, कि जिसके पास भेजा जा रहा था और जहां से शराब को खरीदा गया था उनकी भी पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है, शराब असली है लेकिन अवैध रूप से इसको बिहार पहुंचाया जा रहा था। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।